सड़क सुरक्षा पखवाड़े के तहत बुधवार को बस स्टैंड परिसर में परिवहन विभाग ने नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया। स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से आयोजित इस शिविर में नेत्र सहायक ने करीब 51 चालक परिचालकों के आंखों की जांच की। अतिरिक्त क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी रितु अग्रवाल ने बताया कि शिविर के दौरान यातायात नियमों का 100% पालन करने के लिए जागरूक किया गया। चालक परिचालकों से कहा गया कि वे समय समय पर अपना स्वास्थ्य और नेत्र परीक्षण जरूर कराएं, जिससे वाहन चलाने में सुविधा रहे और खुद के साथ यात्री भी सुरक्षित तरीके से अपने गंतव्य तक पहुंच सके। शिविर में नेत्र सहायक उदय सिंह ठाकुर ने चालक परिचालकों के नेत्रों की जांच की। इस दौरान दो परिचालकों को धुंधला दिखाई देने पर उन्हें जिला अस्पताल रेफर कर जांच कराने की सलाह दी गई। शिविर के दौरान आरटीओ विभाग के कर्मचारी भी मौजूद रहे। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। ड्राइवर्स और कंडक्टर्स के लिए नेत्र शिविर का लगाया था सीएचएमओ के सपोर्ट से। अभी सड़क सुरक्षा सप्ताह में हमने ये दिन डिसाइड किया था ताकि इन लोगों का एक आई फिटनेस चेक हो सके, अगर ड्राइवर्स का और कंडक्टर्स का, ताकि एक्सीडेंट्स को हम अवॉइड कर सके। नहीं, थे जब वो साहब बैठे थे वहाँ पे, वो 10 बजे आ गए थे और उन्होंने ही सबका आई क्या अभी आई चेक करा है सभी का। कितने वाहन चालक थे? अराउंड 80 लोगों की हुई है। कुछ कमजोर आप वाले मिले? और वो अभी सीएचएमओ साहब जब रिपोर्ट देंगे तब पता चलेगा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।